गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोशे सैनी फ्रॉम स्मिता ग्लोबल स्कूल। हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि राइट सर्कुलर कोन का सीएफए या फिर टोटल सरफेस एरिया अपन कैसे निकालते हैं। सीएफए के लिए या फिर लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है वो थोड़ा गोल में होता है तो उसे अपन कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 तक तो अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक रोलर है, मतलब जो स्लाइडर की शेप में होता है ना, वहां आपने देखा होगा तो सड़क पे चलता है रोड स्लाइडर की शेप में, उसकी डायमीटर अपन दी हुई 84, उसकी लेंथ मतलब जैसे ये रोलर आपके इस तरह से बना होता है, स्लाइडर की शेप ये, उसकी डायमीटर ये और लेंथ ही हो गई, क्योंकि स्क्वायर है तो ये लेंथ मतलब एक तरह से ये चीज क्या है, हाइट है। तो वो अपन को गिवन है वो 500 रिवॉल्यूशन टू मूव 1/2 ऑफ प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड में पूरे प्लेग्राउंड में घूमने के लिए वो 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है। तो अपन को बता रहे कि वो कितना एरिया निकालना है, उसका किसमें निकालना है, अपन को मीटर में निकालना है, किसमें निकालना है, मीटर में निकालना है। देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन कि ये ध्यान रखो, सीएसए निकालेंगे या टीएसए निकालेंगे, मतलब कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। देखो जब ये रोलर घूमता है सड़क पे तो इसका सिर्फ ये वाला पार्ट घूमता है या फिर ये वाला पार्ट भी घूमेगा, तो ऐसे तो सिर्फ ये वाला पार्ट घूमेगा। आप अपने पास में वाटर बॉटल या स्लाइडर की शेप में कुछ हो तो उसे घुमा के देखना, अपने फर्स पे सरफेस पे घुमा के देखोगे जब आप, तो देखो कि जो साइड के जो कर्व सरफेस मतलब जो साइड के दो सर्क्यूलर है वो रोटेट नहीं होंगे, सिर्फ उसका कर्व सरफेस एरिया आगे रिवॉल्व करेगा, मतलब वो आगे घूमेगा। तो अपन को मतलब डायमीटर गिवन है, तो सबसे पहले तो डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, डायमीटर से रेडियस निकल जाएगी, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। और अपन को हाइट गिवन है, हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या बोलना है कि एक रिवॉल्यूशन में वो कितना सरफेस एरिया काउंट करता है, तो सीएसए ऑफ रोलर फॉर वन रिवॉल्यूशन, क्योंकि पहले एक का निकालेंगे फिर ज्यादा का पूछा तो उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, 2π की वैल्यू 22/7 रेडियस, 42 हाइट, 120 7, 6, 42, इसको इन पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन को टोटल एरिया निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, तो टोटल वो जितना घुमा वही उसका एरिया हो जाएगा, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। देखो पूरे ग्राउंड पे बोल रहे कि जो रोलर है वो पूरे ग्राउंड पे घुमा है, मतलब जो रोलर का एरिया निकल जाएगा टोटल वो कितना घुमा, तो वही प्ले ग्राउंड का एरिया होगा। तो देखो उसने 500 चक्कर लगाए और एक चक्कर 31680 का है, तो जब अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आएगा 158400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन को आंसर किस में चाहिए, मीटर स्क्वायर में। तो देखो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर होते हैं कितने में, 1 सेंटीमीटर में। यहाँ पे कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर 2 करेंगे, तो यहाँ पे भी 1/100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर हो जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होगा, 10,000 मीटर स्क्वायर होगा तभी तो होगा ना। तो देखो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, तो एरिया क्या आ जाएगा, 1,58,41,234/1,34, 40 से 40 कट, मतलब एरिया हो जाएगा 1,584 मीटर स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा 1,584 मीटर स्क्वायर अपना एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि सिलैंडरिकल पिलर है, उसकी डायमीटर है 50 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया, देखो डायमीटर और हाइट गिवन है, देखो और आपको कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है,
मीटर स्क्वायर, देखो सेंटीमीटर को भी आप मीटर में कन्वर्ट करके क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप कर सकते हो क्योंकि इजी है। क्या बोला अपन को, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालो और कॉस्ट है तो उसको उससे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो ये तो इजी है आप अपने आप कर सकते हो। कर्व सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस गिवन है, अपन को हाइट निकालनी है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 तो भी बहुत इजी है, देखो क्या गिवन है अपन को, रेडियस गिवन है, रेडियस मतलब आर की वैल्यू 0.7 मीटर और सीएसए गिवन है, सीएसए कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर। अपन को क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, तो हाइट अपन को पता नहीं है तो सीएसए का फॉर्मूला 2πr, सीएसए की वैल्यू 4.42, आर की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7 मल्टीप्लाई बाय एच, पॉइंट हटा 10 लगा, पॉइंट हटा 10 लगा, 7 से 7 कट हो गया, देखो 2 5 10, तो यहाँ पे बच्चा 44/10 इक्वल्स टू 22/5 मल्टीप्लाई एच, इधर चला जाएगा तो 44/10 ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगा इसका यहाँ जाके, तो ये हो जाएगा 5/22 इक्वल्स टू एच, 5 1 5, 5 2 10, 22 1 22, 22 2 2 कट, तो हाइट क्या आ गई 1 मीटर, हाइट कितनी आ गई 1 मीटर, इसकी हाइट आ गई, इजी था। क्वेश्चन नंबर 7, इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज दिस, इट इज 10 मीटर डीप, तो अपन को इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कॉस्ट ऑफ ब्लास्टिंग दिस सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, देखो इनर डायमीटर निकाल सकते हो, आपको डायमीटर गिवन है और उसकी हाइट गिवन है, देखो रेडियस हो जाएगी इसका हाफ और ये उसकी हाइट हो जाएगी, तो आप इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हो। फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है, मतलब 40 पर मीटर स्क्वायर है तो 1 का गिवन है, ज्यादा का निकाला है तो आप उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप अपने आप करोगे, कर्व सरफेस एरिया निकालना है और उसको 40 से मल्टीप्लाई करना है, बस उसकी रेडियस जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1.75 मीटर, क्योंकि इसका हाफ होता है 1.7। ओके क्वेश्चन नंबर 8, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलैंडरिकल पाइप ऑफ लेंथ इज एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, तो फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, देखो मतलब अपन को एरिया निकालना है, क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। बोल क्या रहा है कि वाटर हीटिंग बैग है जिसके अंदर सिलेंडर की शेप में, वो किस शेप में, सिलेंडर का पाइप है, उसकी लेंथ मतलब उसकी हाइट है 28 मीटर और डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और टोटल रेडिएटिंग सरफेस निकालना है, तो कितना उसमें रेडिएट मतलब कितना वो गर्म होता है तो वो अपन को बताना है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर रेडिएट हो रहा है तो बीच वाला सिस्टम भी पूरा रेडिएट होगा, बीच वाला सिस्टम पूरा रेडिएट होगा, मतलब अपन को क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कौन सा एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, इजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8, क्या क्या गिवन है, सबसे पहले अपन को गिवन है हाइट मतलब एच, वो कितनी है 28 मीटर है, फिर अपन को गिवन है डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर है तो इसकी रेडियस होगी, रेडियस निकालेंगे सबसे पहले अपन 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर, अपन को तो मीटर में चाहिए तो इसको किससे डिवाइड कर लेंगे 100 से, तो 2.5 चला जाएगा ये 1.82, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.025 मीटर, बस अब अपन सी से निकालेंगे। नाउ CSA, तो देखो CSA क्या हो जाएगा 2πRh, 2 × 22/7, रेडियस कितनी हो जाएगी 0.025 और हाइट है 28, 7 4 28, फिर जब आप उसको पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर, क्या आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस ऑफ सिस्टम इज, सो एरिया ऑफ रेडिएटिंग
सरफेस ऑफ सिस्टम इज 4.4 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लेटरल और कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलैंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर। राइट, दोनों गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया और कॉर्ड सरफेस एरिया, लेटरल या कॉर्ड एक ही बात है ना, यूज कर लोगे। फिर हाउ मच स्टील आर एक्चुअली यूज, इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, अब कितनी स्टील अगर यूज होती है, अगर जितना भी जो एरिया था जितना भी टैंक बनाने के लिए स्टील लगी थी उसमें से 1/2 तो क्या हो गई, वेस्ट ही हो गई है। तो देखो आपका इसमें आपको सबसे पहले क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया। देखो चलो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाई देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 9th, नाइन्थ का फर्स्ट क्या बोल रहा है, लेटरल और कॉर्ड सरफेस एरिया निकाला है, पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, डायमीटर गिवन है अपन को, डायमीटर गिवन है अपन को 4.2 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4.2/2 मतलब 2.1 मीटर, हाइट गिवन है अपन को 4.5 मीटर। अपन को कॉर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है, फॉर्मूला होता है 2πRH 2 × 22/7 रेडियस 2.1 × 4.5 तो ये क्या बना 2 × 22/7 21/10 डिप्लाई बाय 45/10 7 × 3 = 21 2 × 5 = 10 5 × 9 = 45 ठीक है। अब जब आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा 5 × 9 = 4/10 एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट, तो ये आपने आ गया कॉर्ड सरफेस एरिया, क्या आ गया कॉर्ड सरफेस एरिया आ गया। अब सेकंड में क्या बोल रहा है कि कितनी स्टील यूज होगी, अगर टैंक बनाने में टोटल 1/12 स्टील वेस्ट होगी, अब देखो सीएसए गिवन है अपन को, अब देखो स्टील बनेगी तो उसके ऊपर के जो टैंक है तो ऊपर का नीचे का बेस भी तो बनेगा ना, नीचे का ऊपर का, तो उसके लिए अपन को टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, उसके लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 2πRH+R, क्योंकि टैंक अगर बनाएंगे तो टैंक में ये पोर्शन भी बनेगा और टैंक में नीचे वाला पोर्शन भी बनता है, टैंक आधा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर नीचे है नहीं, सिर्फ हवा में बना रहे बनेगा ही, तो देखो 2π की वैल्यू 22/7 रेडियस कितनी थी 2.1 हाइट कितनी है 4.5 प्लस 2.1 जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा 87.12 जब अपन इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर आएगा। अब क्या बोल रहा है कि टोटल स्टील का 1/2 टैंक बनाने में वेस्ट हो गया है, टोटल स्टील का 1/2 टोटल स्टील, देखो टोटल स्टील लगी कितनी 87.12 का जो टैंक है ये इसमें स्टील का तो 1/12 क्या हो गया वेस्ट हो गया, 1/12 क्या हो गया वेस्ट। देखो अब अगर अपन क्या मान ले कि लेटर एस मीटर स्क्वायर स्टील शीट, देखो एक्चुअली में टोटल 1/12 मतलब टोटल शीट तो जितनी भी इसमें से 1/12 तो वेस्ट हो गया, तो टोटल शीट कितनी लगी अपन को पता है नहीं ना, तो लेट एस मीटर स्क्वायर बी स्टील शीट बी एक्चुअली यूज्ड इन मेकिंग टैंक, इन मेकिंग टैंक माना कितनी यूज हुई, तो देखो टोटल जितनी टोटल हमेशा क्या होता है उसमें से 1/12 वेस्ट हो गया, टोटल सीट एस थी उसमें से 1/12 क्या हो गया वेस्ट हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस माइनस एस का 1/12 क्या हो गया वेस्ट हो गया, तो एस बाहर कॉमन आती है, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, तो बचा कितना
जब पूरा वेस्ट 1/12 वेस्ट होने के बाद में अपने पास में बचा 87.12, तो ये हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, तो ऐसे ही रहेगा एस 12 - 1 11/12 = 87.12। एस की वैल्यू क्या है 87.12 × 12/11, तो यहाँ से आपके एस की वैल्यू आ जाएगी, मतलब टोटल स्टील आ जाएगी 95.04 m². तो अपन को क्या पूछा क्वेश्चन ने, यही तो पूछा था कि कितनी एक्चुअली यूज हुई, तो 100 कितनी एक्चुअली यूज हुई, 100 95.04 m² स्टील वॉज यूज, टोटल इतनी यूज हुई, लेकिन इसका 1/12 मतलब 87.1 मतलब टन बचा उतना वेस्ट। ठीक है, तो देखो आज अपन इसमें इतना ही करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए वो आपको करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 से अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय, स्टे होम स्टे सेफ।